अतिक्रमण के खिलाफ। होम मिनिस्टर से बात करूंगा मैं जाके, इलाहाबाद जाके उससे बात करूं। मैंने गरीबी की दुकान छोड़ दी उन्होंने, मतलब परेशान कर दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेजेएन न्यूज़। आपके साथ मैं हूं निधि बिष्ट। इस वक्त हम मौजूद है हल्द्वानी का ये मंडी है। आपको बता दें कि हल्द्वानी नगर निगम का अतिक्रमण के खिलाफ जो अभियान है वो लगातार जारी है। चार दिनों से इस अभियान को चलाया जा रहा है और आज इस अभियान का पांचवा दिन है। आपको बता दें कि जितने भी लोगों ने अवैध रूप से सड़कों पर यहाँ कब्जा किया हुआ था, उन सभी की दुकानों को तोड़ा गया है। और इस वक्त हम जैसे कि मंडी में मौजूद है, तो यहाँ पे अवैध रूप से जितनी भी ठेलियाँ यहाँ लोगों ने लगाई हुई थी उन सभी को हटा दिया गया है। इसके अलावा जितने भी होर्डिंग सड़क किनारे लगे हुए थे, पोस्टर चिपकाए गए थे, उन सभी को हटा दिया गया है। प्रशासन लगातार लोगों को ये चेतावनी दे रहा था कि अतिक्रमण के खिलाफ उन्होंने जो अवैध रूप से यहाँ कब्जा किया हुआ है उसको हटा लिया जाए, लेकिन लोगों ने इस बात को नहीं माना, तो मजबूरन अब प्रशासन को यहाँ पर बुलडोजर चलाना पड़ रहा है। तो जैसा कि अभियान है वो मंगल पड़ाव से होता हुआ मंडी की ओर आया है, और आप जैसा कि मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पे बुलडोजर भी मंगवाया गया है। इसके साथ ही यहाँ पर सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह और नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय भी मौजूद है। वो अपनी निगरानी में इस अभियान को चला रहे हैं ताकि जितने भी अराजक तत्व हैं वो इस काम में दखल ना दें। लगातार हम आपको तस्वीरों के माध्यम से यहाँ का नज़ारा दिखा रहे हैं। जैसे कि आप देख ही सकते हैं मेरे पीछे किस तरह से यहाँ पे अतिक्रमण के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। तो अंकल जी, क्या कहना चाहेंगे आप अतिक्रमण के खिलाफ? होम मिनिस्टर से बात करूँगा मैं जाके, इलाहाबाद जाके उससे बात करूँ। मैंने गरीबी की दुकान तोड़ दी उन्होंने, मतलब परेशान कर दिया। और अब कहाँ सारा पैसा इनके पास? साल 50 साल हो गए, 50 साल से लग रहे हमारी दुकान यहाँ पर, 50 साल से। आपके तो मेरी बच्ची की पैदाश यहीं पर, यहाँ की मेरी पैदाश। होम मिनिस्टर बात करूँगा जाकर, मैं इलाहाबाद जाके ये दुकान के पीछे अन्याय लग रहा है, अन्याय। मैं तो खुद मरने वाला यहाँ पर है। क्या क्या लगाया था? ये तो बहुत पैसे लग रहे हैं यहाँ पर, ये दुकानें बहुत पैसे लगी हुई हैं, शुरू से ऐसी लगी हैं पहले से ही है। प्रशासन द्वारा पहले भी लोगों को कई बार चेतावनी दी जा चुकी है अतिक्रमण के खिलाफ, लेकिन लोग है कि मानने का नाम नहीं ले रहे थे। उसके बावजूद आज मजबूरन प्रशासन को यहाँ पे बुलडोजर चलाना ही पड़ा। आप आसपास मेरे देख सकते हैं कि यहाँ पे पहले सब्जियों के ठेले लगे होते थे, लेकिन अभी इन जगहों को खाली कर दिया गया है। हमने अभी एक अंकल से बात की थी, वो काफ़ी गुस्साए हुए हैं। उन्होंने कहा कि 50 साल से वो यहाँ पे ठेला लगा रहे हैं और आज उसको तोड़ दिया गया है। तो जैसा कि आप अभी भी देख सकते हैं, बुलडोजर अपना काम लगातार कर रहा है। यहाँ पे लगातार ठेलियों को हटाया जा रहा है, किस तरह से यहाँ तोड़ा जा रहा है आप देख सकते हैं। लगातार आपको दिखाते रहेंगे जेजेएन के माध्यम से। वाला नहीं है वहाँ पे, सबको परेशानी हो रही है। अभी देख लेंगे, वहाँ भी दिखवाएंगे, आप टेंशन मत। सबका देखा हुआ है, दिखवाने की जरूरत है। अभी भी पार्क के इधर की तरफ से मशीन निकला ही, उधर किसी ने नहीं हटाया। अब पहले यहाँ तो हो जाए, उसके बाद जाएंगे वहाँ भी। भाई साहब, आपको मुझसे ज्यादा पता है। मुझे पता है, हाँ, वहाँ टेम्पो खड़े करवा रखे हैं। चलो आप लोग क्या है बताओ, क्या हटो चलो। ये जो काम हो रहा है ना, इतना बढ़िया, इससे एक आदमी नाराज हो जाए, 99 आदमी पीछे से। चलिए आप लोग चलिए, चलिए बढ़िया। बाकी लोग हटो। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय और सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह। तो सर, जैसे कि अभी प्रशासन की तरफ से यह अभियान चलाया जा रहा है, आज पांचवा दिन है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? और अभी तो जैसे मंडी में ये चल रहा है, तो इसके अलावा अभी और कितनी जगहों पर ये अभियान चलाने का इरादा है? मैं आपके माध्यम से केवल अपील करना चाहूँगा यहाँ के व्यापारियों से, फल व्यवसायियों से, ठेला व्यवसायियों से, सभी से, कि सबको अपनी हद पता है। उस हद में रहने के लिए अनाउंसमेंट पहले से कराया जा रहा है। जिस क्षेत्र में हम अतिक्रमण लगाने जा रहे हैं, पहले वहाँ अनाउंस करा रहे हैं, उनकी हद बता दे रहे हैं। सब्जी मंडी में हमने कल अनाउंसमेंट कराया था, उसके पहले भी पुलिस लगातार एक महीने से अनाउंस करा रही थी। उसके बाद भी जो आप देख रहे हैं, जितने फल व्यवसायी, उन्होंने फल हटाने का प्रयास नहीं किया। फल हटेगा, ठेला चलेगा। ठेले वालों को कार्ड दिया गया है, जिनके पास कार्ड है उनको ठेले पर व्यवसाय करने की अनुमति दी जाएगी, उनको उनका स्थान बताया जाएगा, लेकिन किसी भी दशा में सड़कों पर फल स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये अभियान पूरे शहर में लगातार जारी रहेगा।
तो मैम एक सवाल आपसे, जैसे कि अभी थोड़े दिन पहले व्यापारियों की बैठक हुई थी, तो उस बैठक में व्यापारियों ने कहा था कि हम प्रशासन के साथ हैं, लेकिन जो रवैया ये प्रशासन की तरफ से अपनाया जा रहा है ये बिल्कुल तानाशाही पूर्ण है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सभी को जब बैठक की गई थी तो बता दिया गया था सड़कों पर चलने के लिए जगह नहीं, आप जिस जगह खड़ी हैं वहाँ आप भी 100 धक्के खाकर ही अभी निकल पा रही हैं, आप जैसा देख रही हैं। तो मेरी भी आपके माध्यम से ही सबसे अपील है कि चलने का स्थान छोड़ दें, सब्जी का व्यवसाय ठेले पर करें, जिससे कि अगर कोई दुर्घटना होती है, आग लगती है, तो फायर ब्रिगेड निकलने की जगह तक नहीं है इस सब्जी मंडी में, तो कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोगों को चलने के लिए अतिक्रमण मुक्त करें, जिसका अभियान नगर निगम के द्वारा लगातार चलाया जा रहा है। और आप देख भी रहे हैं कि जो हमारी हल्द्वानी से बरेली रोड है उसमें काफ़ी अब चलने की जगह हो गई है। तो सबसे अपील है किसी के भी व्यवसाय को बंद नहीं किया जा रहा है, खाली इनसे कहा जा रहा है कि आप ठेलों पर चलें, नियम के अंतर्गत चलें, कम से कम रोड पर चलने की जगह हो, और यही हमारी लगातार अपील है कि हमें अपना सहयोग प्रदान करें। ठीक है, धन्यवाद मैम। यूपी में योगी का बुलडोजर और हल्द्वानी में नगर निगम का बुलडोजर एक ही काम कर रहा है। जेजन के माध्यम से लगातार आपको यहाँ का मंजर दिखाते रहेंगे। अतिक्रमण के खिलाफ ये जो अभियान चल रहा है, आज पांचवा दिन है, लगातार आपको पल पल इस बारे में अपडेट करते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, मैं अपने सहयोगी हिमांशु सम्मल के साथ, निधि बिष्ट, हल्द्वानी, जेजन न्यूज़।